हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही फेमस और मोस्ट वांटेड नॉनवेज चाइनीज स्नैक जो हम सबका फेवरेट है, वो है चिली चिकन। जब हम सामने वाले को नॉनवेज की ऑप्शंस देते हैं और उसमें हम चिली चिकन मेंशन करते हैं, तो वो सबसे पहले चिली चिकन ही चूज़ करता है। तो फ्रेंड्स, जब से मैंने चाइनीज़ की सीरीज शुरू की है, मैं एक ही बात आपको बता रही हूँ कि अच्छे चाइनीज़ की बहुत डिमांड है। अगर आप एक एक चाइनीज़ के स्नैक बहुत अच्छी तरह से बना पाओगे तो इस चीज़ की इतनी डिमांड है कि आपके ऑर्डर रुकेंगे नहीं। और अगर आप घर पे अपने गेस्ट के लिए चाइनीज़ बनाओगे तो वे एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज़ खा के जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि हम एक जूसी, टेंडर और क्रिस्पी चिली चिकन कैसे बनाएंगे, पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता ही आपने क्या करना है, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरी वीडियो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। चिली चिकन बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। 1/2 kg बोनलेस चिकन लिया है मैंने, अदरक लहसुन की पेस्ट ली है, चॉप गार्लिक, चॉप जिंजर, कॉर्नफ्लोर, मैदा, सॉल्ट, एरोमेट पाउडर, एग, शिमला मिर्च, प्याज, स्प्रिंग अनियंस, हरी मिर्चें, और ये मेरी शेजवान सॉस, जिसको हम चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस कुछ भी कह सकते हैं। और ये मेरी यूनिवर्सल सॉस है। जब मैं इसको यूज़ करती हूँ तो मैंने कोई भी ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस या चिली पेस्ट कुछ नहीं लेना, इसके साथ ही मैं चाइनीज़ बना लेती हूँ। इसके अलावा हम लेंगे सोया सॉस, विनेगर, टोमेटो केचप। और अगर आपने अभी तक मेरी शेजवान सॉस वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लें, क्योंकि इसके बिना एक अच्छा चाइनीस नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले चिकन के छोटे छोटे पीस कर लेंगे। छोटे छोटे ही रखेंगे ताकि ये फ्राई में अच्छी तरह से गल जाएं। तो चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। 1/2 teaspoon नमक डाला है मैंने और 1/2 teaspoon एरोमेट पाउडर। 1 tablespoon डालूंगी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। थोड़ा सा फ्लेवर और कलर के लिए चिली ऑयल डालूंगी मैं शेजवान सॉस वाले। अब इनको मिक्स कर लेंगे। ये होगी हमारी फर्स्ट मैरिनेशन। इसको दे देंगे हम 30 मिनट्स की रेस्ट। तो चिकन को रेस्ट हो गया है, अब हम अगले प्रोसेस की तरफ जाते हैं। कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी मैं। पहले मैं 2 tablespoon ही डालूंगी और 1/2 tablespoon डालूंगी मैदा। कोटिंग को ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे, बहुत लाइट कोटिंग होती है इसमें। अंडा डाल दूंगी एक, इसके साथ बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है और चिकन टेंडर भी रहता है। अब कर देंगे मिक्स। एक से 1.5 tablespoon कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी और मैदे को कम ही रखना है, क्योंकि मैदे से एक बहुत थिक कोटिंग आ जाती है चिकन में, जो कि अच्छी नहीं लगती। मैदा सिर्फ बाइंडिंग को जोड़ के रखता है इसमें। तो मैंने कुल 3-3.5 tablespoon कॉर्नफ्लोर डाला है और 1/2 tablespoon मैदा। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तो अब पीसेस डाल लेते हैं। तेल को 175 degree तक हीट कर लेंगे, मीडियम टू हाई हीट में रखेंगे और थोड़े थोड़े बैचेस में फ्राई करेंगे। फर्स्ट फ्राई हम 1 minute करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो चिकन जूसी नहीं बनेगा। बस इस पोजीशन में हम निकाल देंगे चिकन को। ऐसे ही हम सारा चिकन फ्राई कर लेंगे। अब जल्दी जल्दी डालते जाएंगे पीसेस को ताकि इवनली पीस फ्राई हो जाएं। तो ये सारा चिकन मैंने हाफ फ्राई कर लिया है। अब इस स्टेज में हम प्रिजर्व कर लेते हैं चिकन के पीसेस को, और जैसे ऑर्डर आता है पोर्शन वाइज चिकन निकालते हैं और फाइनल करके दे देते हैं। 2-3 दिन के लिए आप आराम से रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो। चिकन को मैंने 5-10 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ दिया है। अब उतनी देर हम कटिंग कर लेते हैं। चिली चिकन बनाने के लिए हम क्यूब कटिंग करेंगे अनियंस की। चिली चिकन के 2 portion बनाऊंगी मैं, एक सेमी ग्रेवी और एक ड्राई, और पाया पाया चिकन दोनों में ले लूँगी। 5-6 प्याज काट लेंगे हम पहले। ये देखिए, ऐसे
अनियंस निकाल लेंगे और ये जो चीज़ें बच जाती हैं हम चॉपिंग और कई चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं। ड्राई में अनियंस और कैप्सिकम की मात्रा ज़्यादा पड़ती है। लोग स्पेशली डिमांड करते हैं जब मैम प्याज का क्रंच आना चाहिए मैक्सिमम। अब ऐसे ही कैप्सिकम की कर देते हैं। अब आती है बारी स्प्रिंग अनियंस की। आप स्प्रिंग अनियंस ऐसे भी काट सकते हो बारीक बारीक, अगर थोड़ा सा और स्टाइल में काटना है तो स्लैंटिंग में भी काट सकते हो। अब वाइट पोर्शन काट लेंगे। ग्रीन चिलीज को स्लैंटिंग में काटेंगे। पोर्शन बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को फुल फ्राई कर लेते हैं। सारे चिकन को ही फुल फ्राई कर लूंगी मैं। बस चिकन को निकाल देंगे। अब ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, चिकन ड्राई हो जाता है और खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। क्रिस्पी भी हो चुका है चिकन, निकाल के एक बार चेक कर लेंगे कि चिकन पक गया है कि नहीं। चिकन को चेक कर लेते हैं पका कि नहीं। ये पक चुका है बिल्कुल चिकन, अंदर से टेंडर और जूसी भी है, और थोड़ा बहुत जो होगा वो ग्रेवी में और सॉटे करते समय पक जाएगा। पहले बनाते हैं हम ड्राई वाला वर्जन, क्योंकि सबसे ज़्यादा ड्राई की ही डिमांड होती है। कोई भी स्नैक्स वाले चीज़ बना रहे हो तो तेल कम ही रखिएगा, ज़्यादा ऑयली भी पसंद नहीं आता स्नैक्स। एक टेबलस्पून ऐड करूँगी गार्लिक, एक टीस्पून करूँगी जिंजर, साथ ही में कर देंगे अनियंस को ऐड, कैप्सिकम ऐड कर देंगे। हाई हीट में सॉटे कर देंगे इनको। ऐड कर देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ टी स्पून एरोमेट पाउडर, अनियन कैप्सिकम को क्रंच में ही रखेंगे, ज़्यादा गलाएंगे नहीं। एक टेबलस्पून शेजवान सॉस, क्योंकि ये ड्राई बना रही हूँ मैं, हल्का सा डालूंगी पानी। वाइट स्प्रिंग अनियंस, लगभग एक टीस्पून सोया सॉस, एक टीस्पून विनेगर और एक ही टीस्पून टोमेटो केचप। बस इतनी सॉसेस इस्तेमाल कीजिएगा, कलर ज़्यादा डार्क भी नहीं करना होता। आप रेस्टोरेंट में खाएंगे तो कभी भी कलर डार्क में स्नैक्स नहीं आते, बिल्कुल माइल्ड कलर्स में आते हैं और बैलेंस्ड आते हैं। अब कर देंगे हाफ चिकन ऐड। ड्राई में मैं कॉर्नफ्लोर ऐड ही नहीं करती हूँ, क्योंकि इसने ऐसे ही हो जाना है। मैंने पानी बहुत कम डाला है, कभी कभी तो पानी भी नहीं डालती हूँ मैं। ये देखिए पूरा पूरी तरह से ड्राई हो गया। तो ये हो गया हमारा ड्राई वर्जन चिली चिकन रेडी। एक बात बोलना चाहूँगी मैं, आप चिली चिकन अगर ड्राई बना रहे हो तो बहुत जल्दी जल्दी सॉटे करके निकालने का मत कीजिएगा। थोड़ा सा सॉस के साथ इसको ब्लेंड होने दीजिएगा, बहुत अच्छा और जूसी टेक्सचर आता है। चिकन को निकाल देते हैं अब प्लेटिंग के लिए। अगर आप रेड येलो बेल पेपर डालना चाहो तो डाल सकते हैं, कलरफुल बन जाता है थोड़ा सा। अब बनाते हैं सेमी ग्रेवी चिली चिकन। थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल, 1 टेबलस्पून गार्लिक, 1 टीस्पून जिंजर, हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, अनियंस, कैप्सिकम भी ऐड कर देंगे। जब मैं ड्राई वर्जन बना रही थी ग्रीन चिलीज डालना भूल गई थी, आप डाल सकते हो ग्रीन चिलीज, फ्लेवर अच्छा आता है चिली चिकन में। अब ऐड कर देंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हाफ टी स्पून एरोमेट पाउडर, 1 टेबलस्पून शेजवान सॉस,
वाइट स्प्रिंग अनियंस, क्योंकि ये सेमी ग्रेवी बन रहा है तो ऐड कर देंगे पानी। अब ऐड कर देंगे सोया सॉस 1 टीस्पून, विनेगर भी 1 टीस्पून। आप गार्लिक का फ्लेवर ग्रेवी वाली आइटम में ज़्यादा रख सकते हो, क्योंकि ग्रेवी वाली आइटम में गार्लिक बहुत अच्छा लगता है। अब ऐड कर देंगे 1 टीस्पून टोमेटो केचप, क्योंकि मैं हर चाइनीज़ में शेजवान सॉस डालती हूँ, जो चिली सॉस बनाई हुई है मैंने, तो इसलिए ज़्यादा सेट करने की मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है चाइनीज़, क्योंकि बेस अच्छा तो फाइनल रिजल्ट भी अच्छा। थोड़ा सा और कर दूंगी एरोमेट पाउडर ऐड। फ्लेवर्स आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करते रहिएगा जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती। नमक मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा ऐड करूंगी नमक। अब ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून स्लरी ऐड, जो मैंने कॉर्नफ्लोर और पानी से बनाई होती है। 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और पानी डाल के एक स्लरी तैयार कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है चाइनीज़ की तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि क्वांटिटी कैसे बढ़ानी है। थोड़ा सा और ऐड करेंगे, एक थिकनेस लाएंगे थोड़ी सी सॉस में। चिकन के पीसेस ऐड कर दूंगी अब। तो ये हो गया हमारा सेमी ग्रेवी चिली चिकन रेडी। अगर ग्रेवी को थोड़ा और ग्लॉसी लुक देना है तो हल्का सा चिली ऑयल कर दीजिएगा ऊपर से स्प्रेड। अब कर देते हैं इसकी प्लेटिंग। ये हो गया हमारा ड्राई चिली चिकन रेडी और ये हो गया हमारा सेमी ग्रेवी चिली चिकन रेडी। अब कर देते हैं इनकी गार्निशिंग। थोड़ा सा हरा प्याज डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, जो हाफ पोर्शन होता है चिली चिकन का वो 500 ml के बॉक्स में देते हैं और जो फुल पोर्शन होता है वो हम 750 ml के बॉक्स में देते हैं बोनलेस चिली चिकन। जो हाफ पोर्शन होता है उसमें 200 ग्राम्स चिकन रहता है और उसकी प्राइस रेंज 250 to 300 के बीच बीच में होती है। और जो फुल पोर्शन होता है उसमें चिकन की ग्रामेज 350 ग्राम्स रहती है और उसकी प्राइस रेंज होती है 350 to 400 के बीच बीच में। ये जो मैं ग्रामेज बता रही हूँ, ये जो हम हाफ डन करके रखते हैं चिकन, उसकी ग्रामेज बता रही हूँ मैं। एक 1500 ml बॉक्स का पार्टी पैक भी होता है जो 8 to 10 पीपल को सर्व करता है, उसमें चिकन की ग्रामेज आती है तकरीबन 700 ग्राम। उसकी प्राइस रेंज होती है 900 से 1000 रुपये के बीच बीच में। तो मैं आपको फिर से कह रही हूँ, एक अच्छे चाइनीज़ की बहुत डिमांड है। चाइनीज़ एक प्रॉफिटेबल क्यूजीन है जिसके घर पे बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, किट्टी पार्टीज़ होती हैं, वो चाइनीज़ को प्रेफर करते हैं। इसलिए आप इसको मेन्यू में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। आपने देख ही लिया कि घर से बनाना कितना आसान है चाइनीज़, अगर सारी कटिंग्स और सॉसेस रेडी हो हमारी। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो, और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए और मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। बाय बाय।